जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे ही सियासी दल एक दूसरे पर हावी होने और जनता के बीच पेट बनाने के लिए चुनावी मौसम में हर तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। अब इसी क्रम में पोस्टर वॉर भी छिड़ गया है। दिल्ली बीजेपी की ओर से आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए एक पोस्टर जारी किया गया जिसमें मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को सलाखों के पीछे दिखाया गया है। इस पोस्टर के कैप्शन में लिखा है दो कैदी। वही दूसरा पोस्टर बीजेपी के मेन एक्स हैंडल पर शेयर किया गया। इसमें राहुल गांधी को रावण के रूप में चित्रित किया गया है। राहुल गांधी की दाढ़ी वाली छवि है जिसके 10 सिर पोस्टर में दिखाए गए हैं। बता दें तस्वीर के ठीक नीचे अक्षरों में रावण लिखा हुआ है और इसके नीचे अंग्रेजी में अ कांग्रेस पार्टी प्रोडक्शन डायरेक्टेड बाय जॉर्ज सोरोस लिखा गया है। अब इसी मामले में भाजपा ने जॉर्ज सोरोस को भी घेर लिया है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि जॉर्ज सोरोस के लोग कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे। इसके अलावा भाजपा नेताओं ने ओपन सोसाइटी फाउंडेशन नाम के एक गैर सरकारी संगठन एनजीओ का नाम भी लिया है। भाजपा नेताओं का दावा है कि ये एनजीओ अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस की ओर से वित्त पोषित है और इसके उपाध्यक्ष सलील शेट्टी भी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे। वही आपको बता दें कि इससे पहले भी बीजेपी कांग्रेस फाइल्स नाम से एक सीरीज चला चुकी है जिसमें कांग्रेस पार्टी को भ्रष्टाचार और घोटालों की सिलसिलेवार तरीके से याद दिलाई थी। इस सीरीज में यूपीए 1 और यूपीए 2 के राज में हुए घोटालों की सिलसिलेवार याद दिलाई गई थी। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं सियासी दलों में एक दूसरे को पटखनी देने और खुद को बेहतर साबित करने की होड़ मची हुई है। अब देखने लायक ये होगा कि बीजेपी के इस रिएक्शन के बाद कांग्रेस क्या एक्शन लेती है। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नगरी न्यूज। मैं सिद्दीका मनोहर सोनी आपके साथ। शुक्रिया।